गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट है, एनर्जेटिक है, क्या बात है क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, पॉजिटिव और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। लेकिन कोशिश ये भी करनी है कि दूसरों का दिन भी आपकी वजह से मुस्कुराता हुआ गुजरे, ये बहुत जरूरी है ना। अपनी बस फिक्र नहीं करनी, दूसरों को भी फिक्र करनी है कि आपका कोई एक मैसेज, कोई एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड, कोई एक फेसबुक का फॉरवर्ड, कोई इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी किसी दूसरे की दिल आजारी ना कर रही हो, इसका भी ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तौसी, क्योंकि हम लोग बेसिकली बस जब इंस्टाग्राम पे या किसी भी बेसिकली हम जब सोशल मीडिया के आगे बैठ जाते हैं, हमारे हाथ में चाहे हमारा फ़ोन आ जाए या हम किसी अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाएं, तो क्योंकि हमें ये डर नहीं होता कि जो दूसरी तरफ है कि स्क्रीन के उस पार वाले लोग हमें नहीं देख सक रहे होते, तो हम बहादुर हो जाते हैं, हम फ़ौरन से अपने अंदर का जो सुपरमैन है वो जगा लेते हैं, ठीक है, और हम शेयर करने में या हम किसी को कमेंट करने में हम गौर नहीं करते, जो बहुत ज़रूरी है। हमेशा कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचना चाहिए, मैं कहूंगी लिखने से पहले भी सोचना चाहिए। जी हाँ, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, ये हम बचपन में सुनते हैं। पहले सोचो फिर तोलो, यानी उसका मवाजना करो कि बात कहूं ना कहूं, ये बात कहने से क्या होगा, इसका नतीजा सुनने वाले पे क्या होगा, और फिर बोलो। बिल्कुल, यहाँ पे मेरा ख्याल आजकल रिवर्स चल रहा है, बिल्कुल पहले बोल देते हैं सोचने से भी पहले, बिल्कुल तोलना तो दूर की बात। बिल्कुल, और इसी तरह जिस तरह आपने कहा पहले बोल देते हैं हम सोचने से पहले, इसी तरह हम शेयर कर देते हैं या टाइप कर देते हैं सोचने से पहले, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज इस हवाले से हम कुछ खास बात करना चाहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। खुर्शीद साहब हमारे साथ होंगे, खुर्शीद अहमद नदीम साहब, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं, और उनकी बात बड़े सादा अंदाज में, सिंपल अल्फाज में वो बड़ी गहरी बात भी कर जाते हैं। पहले भी राइजिंग पाकिस्तान की रौनक में इजाफा कर चुके हैं बहुत अरसा पहले, लेकिन आज हमने उनको बुलवाया कि उनसे हम ये जान सकें कि ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कहते हैं कि हमारा दीन इस्लाम जो है, जो कि इस मुल्क का मेजॉरिटी मजहब है, वो आने वाले वक्तों के लिए है, आने वाले जमानों के लिए है, ता कयामत है, एक तर्ज हयात हमें देता है, तो उस तर्ज हयात में तो डिजिटल दुनिया भी आ जाती है। तो इस तनाजुर में आज खुर्शीद साहब से गप लगेगी, बहुत ही उमदा बोलते हैं, बहुत ही उमदा सोचते हैं, और आज उनका सेगमेंट होगा हमारा मेन फीचर राइजिंग पाकिस्तान का। इसके अलावा क्या है फातिमा जी? बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे तैयब, और तैयब जो है वो मेंस फैशन एक्सपर्ट हैं तौसी, और बेसिकली वो बात आज जो करेंगे ना वो कुर्तों के और इनके फैशन के ऊपर है। बिल्कुल, मैं उनसे एक जो चीज पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीज है कि क्या पहले फीमेल्स का फैशन है जो आता है या पहले मर्दों का फैशन आता है, कौन किसको फॉलो करता है, ये मेरा क्वेश्चन। मेरा ख्याल है खवातीन खवातीन को फॉलो करती है, मर्द मर्दों को फॉलो करते हैं, लेकिन आपस में भी आजकल कॉम्पिटिशन तो है। एग्जैक्टली, और पहले एक वक्त था कि फैशन के लफ्ज के साथ हमें जहन में आता था कि बस खवातीन हैं, उनके बालों का फैशन, उनके कपड़ों का फैशन, उनके जूतों, ये इन है जी, आज कमीजें छोटी हो गई, कमीजें लंबी हो गई, तो मर्दों का तो क्या है, मलंग किस्म के लोग होते हैं, इनके कुर्ते शलवार शलवार कमीज बस एक जैसे ही होते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती फैशन की हद तक। लेकिन अब पिछले तकरीबन 10 से 20 साल के अंदर हमने देखा है कि हर साल ट्रेंड्स मर्दों के फैशन के भी बदल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसा कि फातिमा ने आपको बताया, तैयब हमारे साथ होंगे, जो कि एक बड़े जबरदस्त किस्म के, खासतौर पे शादियों के हवाले से उनका फैशन जो है बड़ा मकबूल है, तो आज उनको हम फीचर करने चले हैं और कुछ उनसे कुर्तों और ईस्टर्न मेंस वेयर की कुछ टिप्स भी लेंगे। जी जी बिल्कुल, और मैं कहना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि मलंगों वाला फैशन मर्दों का, मैं कहती हूँ कुर्बान जाऊं मैं ऐसे सादा मलंगों पे, जरा प्लीज कैमरा कट करें सर के कॉलर पे, प्लीज 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 जरा सर के कॉलर पे, मैं कहती हूँ सादगी आप पे खत्म है, क्या आपने जैकार्ड का जामावार का मारा है जी बैन गला, वाह वाह वाह। अच्छा, अभी देखिए ये सारी डिस्कशन होगी जी, इससे ज्यादा सादा शख्स आपको कौन मिलेगा जी जी, जिसके जूते काले हैं, बाल नीले कोई होश नहीं, बाल नीले हैं कि पीले हैं जी जी जी, कुर्ता जो भी तैयब ने पहना दिया मेरे पहन लिया, ऐसा मलंग आदमी आपको कहाँ मिले, बस 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 कुर्बान जाऊं मैं ऐसे मलंगों में।
इसके अलावा क्या है राइजिंग? बिल्कुल जी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि राइजिंग पाकिस्तान हो और हमारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ ना हो। आज हम प्यारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं तालीमाबाद। हमने कहा थोड़ा थोड़ा छुट्टियों में पढ़ना भी होता है जी, हर वक्त कार्टून कार्टून नहीं होता। आज हम तालीमाबाद करेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस भी होगी और आपके सोशल मीडिया मैसेजेस भी होंगे, आपकी भेजी गई तस्वीर, आपके पैगाम से प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाएंगे और कहीं की सैर भी होगी आज। बिल्कुल, वो सरप्राइज रखते। अच्छा बताना नहीं? नहीं नहीं, चलें। पाकिस्तान आजकल गर्मियों की छुट्टियां ना, वैसे भी एक्चुअली लोग सैर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम राइजिंग पाकिस्तान में आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान के किसी खूबसूरत मकाम की अभी कुछ ही देर में। यह है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लें जी ब्रेक। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं, ट्रेन चलाएं, ट्रेन चलाते हैं। एंड थ्री एंड टू एंड वन। राइजिंग पाकिस्तान में प्यारे बच्चों के लिए वक्त है तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस का। आज मिलियन डॉलर एडवाइस में हम एक एक्सपेरिमेंट करने चले हैं और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हो सकता है मेरे दिल की बात आपके दिल में उतर जाए। अच्छा बच्चों, हम अक्सर बात करते हैं ना कि दुनिया की बेशतर करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो कि पीने के साफ पानी से महरूम हैं, उन तक रसाई नहीं है। और हम खासतौर पर शहरों में तो जनाब कभी शावर लगाया हुआ है, कभी पानी नलका खोला हुआ है और वो साफ पानी है, पीने वाला पानी जो कि हाइजीनिकली ओके है और हम उसको ज़ाया कर देते हैं, या हाइजीनिकली ओके ना भी हो हम पानी की कदर नहीं करते। हम कहते हैं पानी तो ज़िंदगी की एक हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो कि बस है, पानी तो है। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि पीने का साफ पानी यानी कि एक गिलास पानी से एक प्यासे की प्यास बुझ सकती है, और इस एक गिलास पानी के लिए लोगों को मीलों पैदल भी आज भी चलना पड़ता है। आज भी उसे एक साफ ग्लास के पानी के ना होने की वजह से बहुत से बच्चे इवन पाकिस्तान में भी डायरिया का शिकार होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद है जो मौत की आगोश में चले जाते हैं। यानी लोग इस एक साफ पानी का ग्लास ना मिलने की वजह से दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं। ये वो रियलिटीज हैं जिनको हम रियलाइज नहीं करते और हम नलका खुला छोड़ देते हैं। हम जहाँ दो जग पानी इस्तेमाल होना है वहाँ पूरी बाल्टी इस्तेमाल कर देंगे, शावर खुला है तो नहाते ही चले जाएंगे, अनएंडिंग है ना जी। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और कंट्रोल रूम मेरी मदद करेगा कि मैं इस एक ग्लास पानी को इस पानी की बोतल से भरूंगा। अभी खाली ग्लास है, ठीक है, इसको मैं भरूंगा। कंट्रोल रूम मुझे बताएगा कि इसमें कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे लगे इस ग्लास को भरने में। कंट्रोल रूम आप रेडी हैं? सेकंड की सुई देखें और आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कट, 7 seconds, 7 seconds में ये ग्लास पानी का भरा, यानी आप 7 सेकंड तक अगर पानी का नलका खुला छोड़ देंगे और पानी जाया करेंगे तो हर 7 सेकंड में एक शख्स की प्यास बुझने से, एक बच्चे की साफ पानी की जरूरत से हम उसे महरूम कर रहे होंगे। एक ग्लास पानी 7 seconds। अब आप सोचिए हम 7 seconds क्या कितने ही सेकंड्स और कितने ही मिनट पानी का नलका खुला छोड़ देते हैं। हर 7 सेकंड्स के बाद एक इंसान की प्यास बुझ सकती थी जो आपकी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी की वजह से ना हो पाया। यह है पानी की अहमियत और यह है उन सेकंड्स की अहमियत जिसको हम इग्नोर करते हैं। इस बारे में प्यारे बच्चों आपने जरूर सोचना है और अगली बार किचन हो, चाहे बाथरूम हो, कहीं भी, या पौधों को आप पानी दे रहे हो, कहीं भी पानी का इस्तेमाल देखें तो समझ जाइए कि हर 7 सेकंड के बाद हम ये गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं।